तो हेयर कलर के साथ अब कुछ गलत जा रहे, तो देखते हैं हम वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली गलत जा रहे हैं हेयर कलर के साथ। Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? Cause I don't got a... तो अब हाइलाइटर तो शायद बंद ही हो गए, मुश्किल से शायद कोई बालों में हाइलाइटर का यूज करता होगा, वरना आपको पूरे के पूरे बाल कलर कराने का क्रेज चल पड़ा है। देखो अच्छा दिखने में और कार्टून दिखने में काफी फर्क होता है। आपको देखना होगा कि आप कौन से प्रोफेशन में, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पूरे बाल रन के चले जाओगे कॉलेज में, तो कैसे लगोगे, खुद सोचो कैसे लगोगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और ऐसे बाल रख लिए तो, और आजकल एक्चुअली ये ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है किसी को देख देख के, मैं ऐसे नहीं बोल रहा किसको देख के कर रहे हो, आप कोई भी हो सकता है रोल मॉडल, आप उनको देख देख के अपने पूरे बालों का सत्यानाश कर रहे हो। सबसे पहली बात तो वो लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं, आप पहले वो देखो कि वो कौन सी ब्रांड का है। वो कोई ब्लीच यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत 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 महंगे वाले कलर यूज़ कर रहे हैं। आप शायद वो अफोर्ड भी कर लोगे वो कलर्स, बट स्टिल प्रोफेशन के हिसाब से रहोगे तो अच्छे दिखोगे। जितना नेचुरल रहने की कोशिश करोगे उतने आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। किसी को देख देख के करना, मैं ऐसे नहीं बोला कि मैं कलर के खिलाफ हूँ या फिर मेरे को हेयर कलर नहीं पसंद, मेरे को भी पसंद है, बट एक लिमिट होती है, हाइलाइटिंग की एक लिमिट होती है जहाँ तक कलर पसंद होते हैं। अब पूरे के पूरे बाल कलर करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो बस आपको अगर हेयर कलर करने हैं तो एक हाईलाइट में कर कीजिए, एक हाईलाइट चीज़ अलग होती है और पूरे के पूरे रंग देना काफ़ी अलग चीज़ होती है। हाईलाइट कीजिए बाल को, अच्छे से रखो बाल को, कोई दिक्कत नहीं है, कलर सब कराओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईलाइट कर पूरे कभी नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि वो लोग तो पूरे करा रहे हैं, वो पब्लिक फिगर है ना, वो करवा सकते हैं पूरे कलर, क्योंकि वो या तो एक्टर है या तो मॉडल है या तो सिंगर है या तो कुछ तो ऐसी जगह पे है। कलर कराने के बाद आप भी शायद पब्लिक फिगर बन जाओ, लेकिन थोड़े नेगेटिव वे में, जैसे कि फिर लोग ऐसे कहेंगे कि मत करा ले कलर, उसके जैसा दिखेगा। और मैं क्या कोई नहीं चाहेगा कि कोई इस टाइप का पब्लिक फिगर में बने। तो बस यही था कि आप कलर कीजिए, लेकिन एक हाईलाइट तक कीजिए। आजकल मैं देख रहा हूँ सबको पूरे के पूरे बाल कलर करना है, एक दो बाल नहीं पूरे बाल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप ब्लीच का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हेयर कलर के अंदर ब्लीच यूज़ कर लेते हैं, मतलब सस्ते शौक मत कीजिए। करवाने हैं कलर तो ढंग से करवाइए, कोई अच्छे कलर करवाइए, अच्छी ब्रांड के कलर कराइए। ऐसे बाल बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कलर के अंदर आपको नहीं पता कितने हार्मफुल चीज़ें हैं और जो आपके बाल को बहुत डैमेज कर सकती है। यहाँ पर जिसके बाल थिन है उनको तो इन सब चीज़ों से दूर रहना, जिसको हेयर फॉल हो रहा है, जिसके बाल थिन है, आप तो प्लीज़ ये केमिकल से जितना दूर रह सके उतना रहिए। और जिसके बाल थिक है, स्ट्रांग है, जिसको कोई हेयर फॉल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों अपने बाल बिगाड़ना चाहते हो, नेचुरल रहो, काफ़ी अच्छे लग रहे हो आप। मेरे को पर्सनली ऐसा ज़रा भी फील नहीं होता कि हेयर कलर कराने से हम ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे या तो कम स्मार्ट दिखेंगे, कार्टून ज़रूर दिखेंगे। देखो ये है तो कराओ कलर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको एक हाईलाइटिंग में कराओ, थोड़े महंगे वाले कलर कराओ जो आपके बाल को, देखो हर कलर बाल को डैमेज करते हैं, ये एक फैक्ट है और ये हमें मान लेना चाहिए। आप कितने भी महंगे कलर कराओ वो आपके बाल को डैमेज करेंगे ही। तो आप ट्राई करो कि आप जो कलर करा रहे हो वो थोड़े से महंगे हो, ताकि वो इतना डैमेज ना करें। और कभी भी अपने रूट तक वो कलर जाने ही मत दो, आपको कभी भी अपने रूट्स तक वो कलर नहीं जाने देना है आपको। सिर्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ हाईलाइट करो, जैसे अगर इतने बाल हो गए या फिर जहाँ पे आपको जिस जगह हाईलाइट कराना है, ऐसा नहीं कि फिर अब यहाँ पे सब जगह हाईलाइट करो, फिर उससे अच्छा तो फिर पूरे बाल कलर करा लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछना मत भूलिएगा कॉमेंट बॉक्स में, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसी और वीडियोज आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना और पूरे बाल मत रखना, हाईलाइट यूज करना।